देश नंबर एक, काल नंबर दो, वस्तु नंबर तीन, कर्ता नंबर चार, मंत्र नंबर पांच, विधि नंबर छह। ये छह चीजें सही सही हो 100% तो हवन कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। क्या मतलब? हर जगह यज्ञ नहीं कर सकते? ओहो, हमारे पंडित जी तो हमारे आंगन में ही करा देते। नहीं नहीं, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, और हर द्रव्य से बाजार से खरीद लाए जौ तिल और यज्ञ करने लगे, ऐसा नहीं होता। और हवन करने वाला संसारी है, कामी क्रोधी लोभी, और कराने वाला भी, इससे यज्ञ नहीं होता। मंत्र, वेदों के मंत्र होते हैं, उससे यज्ञ में हव्य डाला जाता है। इन सब नियमों में जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। बेकार जाएगा नहीं, दंड मिलेगा। उल्टा हो जाएगा। एक राक्षस था वृत्रासुर, उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती, चलो करो यज्ञ, नहीं तुम सबको मार डालेंगे। वो बेचारे डर के मारे आए। और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, यानी इंद्र का दुश्मन बढ़े, यानी वृत्रासुर राक्षस बढ़े। तो वेद मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि होते हैं बोलने में, जैसे तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। तो इंद्र शत्रु बढ़े, ये शब्द है, शब्द यही रखा ऋषियों ने, लेकिन चालाकी क्या किया कि ई पहले अक्षर पर जो जोर से बोलना चाहिए था वो जोर से नहीं बोले, उदात्त अंत्योदात्त बोले, आखिर वाले शब्द को जोर से बोले, तो उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़े, उल्टा हो गया। और यज्ञ हुआ, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा जो कुछ तुमने मांगा है हमने दिया,